गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। माँ मैं नहीं आ सकती, वो पार्टी में जाना है ना, मैं बिंदी लगाना भूल गई। अभी आ। मेरी आंखों में देखो। हाँ? आईना दिखा रहा हूँ, बिंदी तो लगी हुई है, कोई और बहाना। चलो एक्चुअली कुछ और भूल गई हूँ मैं अभी आई तुम्हारे कमरे से, हमारे कमरे से। टॉप टू बॉटम तो रेडी हो, क्या हो गया है तुम्हें? कोई बहाना नहीं चलेगा, और माँ के सामने अकेला जाऊंगा नहीं मैं। चलो देखो मैं कैसे जा सकती हूँ उनके सामने? मैं कैसे? चेंज करते वक्त दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? देखो अंदर तुम आए थे, अभी माँ के पास तुम जाओ। एक काम करना, उनसे कुछ कह देना कि हम दोनों माफी जैसा कुछ कह देना। ओके पहले तुम जाओ, बात करो, एक बार बात हो जाए ना फिर मैं आती। ओके बाय। मैं नहीं, तुम नहीं, हम दोनों। क्या हुआ, तुम दोनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? क्या बात करनी है? माँ वो हम दोनों बस बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे? कमरे में हम बस बात ही कर रहे थे। बस मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी हो, कमरे में बात करो, कुछ और करो। सॉरी अब तो मैं नौकर के आऊंगी। वो क्या है ना, इतने सालों से ना आदत पड़ गई है, जब चाहती थी उसके कमरे में घुस जाती थी, अकेला रहता था ना। पर अब मुझे खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि अब मेरे बेटे के साथ उसकी पत्नी भी है। सॉरी अगले बार मैं नॉक करके आऊंगी। रियली सॉरी। नहीं माँ नहीं, आप प्लीज नॉक करके मत आइए। माँ अब मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आया। कहाँ जा रही हो? बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों दिल से मिल गए। जानती हो शादी में सबसे अहम बात क्या होती है? तुम दोनों पूरी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताओ। शादी में दो लोगों का होना जरूरी नहीं होता है, लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों कह रही हूँ, ऐसे तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ तुम्हें समझाया होगा। एक माँ ही बता सकती है जिंदगी के ये खूबसूरत मोड़ तौर तरीके, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अब वैसे शिवन्या तुमने कभी नहीं बताया अपने माँ बाप के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बताओ ना। माँ अब आपको क्या बताऊं, मेरी माँ मेरी पूरी जिंदगी है। वो अक्सर कहते कि शादी को पूरा करता है प्यार, और प्यार के बिना हर रूप अधूरा होता है। वाह कितनी अच्छी बात कही है तुम्हारी माँ ने, लगता है शिद्दत से प्यार किया है, प्यार जिया है। वैसे क्या उन दोनों की लव मैरिज हुई है? हाँ देखा, हड़बड़ी में ये शादी हुई, उन दोनों को इनवाइट करना ही मैं भूल गई। अब तुम यहां अकेली हो, वो दोनों कहां हैं? उनकी किसी ने हत्या कर दी। क्या? तो उन हत्यारों को जेल तो जरूर हुई होगी है ना? नहीं नहीं पूरे पड़े उन लोगों को जरूर पढ़ेंगे माँ। मैं भी हर वक्त हर घड़ी यही चाहती हूँ। मेरे माँ बाबा के हथियारों से इंतकाम मैं जरूर लूंगी, ये एक बेटी का वादा है अपनी माँ से। काका इस पिलर पे लाइट्स क्यों नहीं है? सब पिलर पे लाइट्स हैं, रोशनी हो तो चारों तरफ हो। मालिक लगाता हूँ। रामू एक काम करो, तुम मेरे साथ ना स्टोर रूम चलो, कुछ डाइनिंग सेट्स निकलवाने हैं, पार्टी में कम पड़ रहे हैं। मालिक आके लगाता हूँ। अरे लाइए इधर लाइए, मैं लगाता हूँ, आप मॉम की हेल्प करो। माँ मैं भी आती हूँ आपके साथ। नहीं बेटा एक काम करो, तुम ऋतिक की मदद करो, रामू मेरे साथ आ रहा है, चलो बहुत सारा काम पड़ा है, चलो। Thank you.
वहां खड़े खड़े हंस क्या रही हो? यहाँ कोई पिक्चर चल रही है, आके मेरी हेल्प करो। अब हम एक जैसे हंसो। अब तुम यहां इस टेबल पे मेरी मिर्ची, मेरी फेवरेट मिर्ची लाइट्स लगाओ, मैं वहां पिलर पे लगाता हूं। यहां सबसे ज्यादा चमक होनी चाहिए, देख के लगे जैसे कोई नागमणि चमक रहा है। नागमणि? हाँ नागमणि, सबसे ज्यादा चमक तो नागमणि में ही होती है ना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने नागमणि देखी है। एक्सक्यूज मी, मैंने देखी है। कहाँ? फिल्मों में। पिक्चर तो अब शुरू होगी, देखना। लाइट कैसे आप? तो ये तेरा काम है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे भैया पहले भाभी को तो देख लो। चल चल चल। अब समझ में आया तुमने मेरी लाइटिंग को खराब क्यों बोला? क्योंकि तुम मुझ जैसे सीधे साधे अच्छे आदमी को अपने इस जाल में फंसाना चाहती थी, मेरा फायदा उठाना चाहती थी ना। देखो आई नो कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन दूसरों से तो शर्म आती है ना। अगर तुम्हें इतना ही मूड है तो कमरे में चलो ना। तुम भी ना? मैं नहीं, तुम चलो इससे पहले कि कोई देख ले। अब कमरे में नहीं, मुझे इससे बाहर निकालो। पूरा का पूरा उलझा दिया है मुझ बेचारे को। तुम दोनों की दोस्ती टूट गई ना? दोस्ती ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाती है, वो बस नाराज है मुझसे। मनाना आता है मुझे, मना लूंगा। पहले अपना नया रिश्ता तो संभाल लूं। नया रिश्ता? तुम्हारे साथ। ओके ओके, मैं जाके अपने फ्रेंड को मनाता हूँ, तुम ये तब तक लाइटिंग कर लो। तुम्हारे पति का हुक्म है। बार बार मुझे हो क्या जाता है? मैं अचानक अपना मकसद क्यों भूल जाती हूँ? नहीं, मेरी मकसद ही मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाबा की दी हुई जिंदगी। अबे तू इतना जोर क्यों लगा रहा है? आज तक तू जीता नहीं है इस गेम में मुझसे। आंटी जी आप ही ना, सूर्य भाई साहब आए नहीं कि आप शुरू हो जाते। Come on, पापा, हारिएगा मत। अरे एक मिनट, क्या हुआ? हारने लगा तो चीटिंग। मैं ग्लव्स निकालता हूँ, उसके बाद करते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। No चीटिंग। ओके 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 ये लो। एक सेकंड, एक सेकंड। आइए भाई साहब बैठिए ना। अरे शरेश, बहुत खुशी हुई कि तुम। अरे मेरी वजह से आए, मैंने कहा था ना, जहाँ सूरी डोंट वरी। हाँ मैंने कहा था शैलेश आ जाएगा। चल चल अब आप देखिए। वन यहीं से। हाँ यहीं से। चल वन टू थ्री।
ये गया। तन्वी, क्या कर रही हो? बिना मुझसे बात किए तुम? देखो ऋतिक, मैं अपने मॉम डैड के लिए आई हूँ, वरना आती भी नहीं। बस हो गया ना तन्वी, कब तक नाराज रहोगी मुझसे? बचपन की दोस्ती है, तुम ऐसे करोगी मेरे साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ ऋतिक? तन्वी तुम भूल सकते हो ऋतिक, पर मैं नहीं। तन्वी मेरी बात तो, मुझे बात ही नहीं करनी है तुमसे, प्लीज जाओ। होती तो फिर मेरा क्या होता? दीदी आप यहाँ क्या कर रही है? नीचे क्या सुपरमार्केट क्राउड है, इसलिए मैं छुपा के ना यहाँ पर आ गई। दीदी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप चलिए यहाँ से अभी के अभी, कोई मिल गया तो। चलिए, मिल गया, सिक्स फिंगर्स वाला मिल गया। आपको याद है आपने मुझसे पूछा था कि कोई छह उंगली वाला होगा तो मुझे बताना, कोई दोस्त यार रिश्तेदार मिल गया। कौन कौन है वो? अंकल सूरी की छह उंगलियां मैंने देखी। अच्छा लगा तू आया, ये ले ड्रिंक ले। नहीं चाहिए, और एक बात समझ ले, मैं यहाँ पर तेरे लिए नहीं आया हूँ, सूरी ने बुलाया इसके लिए आया हूँ। तूने जो मेरी तन्वी के साथ किया उसके बाद तो, अरे ये इडियट है क्या रे, इडियट है क्या? अभी भी तुझे रिश्तेदारी की सूझ रही है, दोस्ती की सूझ रही है? हा? ये रुक जा, ये दे, ये पकड़। पहन, ये रक्षा कवच है, गुरु माने दिया है, इसे अगर पहने रहेंगे ना हम लोग तो वो नागिन हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। ये देख मैंने पहनी हुई है। मुझे नहीं पहनना। अरे संभाल 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 यार, रक्षा कवच है।